तुम्हारे रुख पे जमी है आंखें, मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियां। मोहम्मद ताकत न्यू वीडियो के साथ हाजिर। तो जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने बताई हैं आपको तैयारियां वगैरह सारी, रात को हमने वीडियो अपलोड की लेट, उस पर व्यूज़ आए तकरीबन कोई 10-1, बट ये है कि अभी दिन शुरू हो चुका है। हमने सबसे पहले नाश्ता किया है, फिर उसके बाद अपनी तामगा साथ पे आ गए क्योंकि यहाँ हमारी ड्यूटीज़ हुआ करती थी, मगर इस बार इतफाकन जो है ना, हम इतफाकन के हैं या अनलकीली हम ना आ पाए और हमारी ड्यूटी नहीं लगी, बट फिर भी ये है कि हमने जो अपना हिस्सा है वो डालना है जहाँ हो सके। बट ये है कि जब बंदा ड्यूटी लगाते हैं तो उसका फिर यह कि परमानेंट शाम तक आपको यहाँ ही रहना पड़ता है जब तक ये एंड नहीं होता। जो जो होता है इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। संगीत ड्यूटी देते हुए जी शेख, मैं ये दर्श इसमें हूँ, मेरे पास भी खड़े हैं और लोगों को ये गाइड कर रहे हैं जहाँ के यहाँ रास्ते में खड़े हूँ और आगे भेज रहे हैं जी। माशाल्लाह संज्ञान आते हुए माशाल्लाह ये على نبيك سيدنا محمد وأهل بيته الذين طهروا تطهيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। दुआ से पहले लोग जैसे आके सफर में बैठ गए हैं ऐसे मुनज़्ज़म तरीके में, फिर उसके बाद दुआ हुई है, दुआ के बाद जहाँ जहाँ संगी बैठे हुए थे उधर जनाब उनको लंगर दिया गया है। ऐसे आप देखें हर काम मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है माशाल्लाह। ये दोस्त हमारे साथ आ गए हैं, ये भी ड्यूटी करते महंगे पकड़े पाइप पर लेकिन खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना टाइम हो गया 11 क्योंकि नाश्ता में लाइट लेट किया था तो अभी लंगर नोश करते हैं। बस आप लेट आए हैं सर, हम सर जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ के फौरन आ गए थे, हम भी नमाज़ पढ़ के फिर क्यों नाश्ता नहीं आपको मिला? नहीं ना बस नसीब नसीब की बात है ना, वही वाला हिसाब है भाई, नसीब का सीन है सारा। भाई लंगर अपना हो गया मगर ये रास्ता है बाहर जाने का और बड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं कि कब तक निकलते हैं बाहर क्या सीन होता है। देखिए इतना बड़ा जम में गफील होने के बाद इतना मुनज़्ज़म तरीके से हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, कोई हेलो ईस्ट है, कोई शोर वुल नहीं है, हर चीज़ हसबुल्लाह अल वकील के साथ जनाब चल रहा है। अपने मिले हैं जी, नाम नहीं भूल सकता मैं रिजवान भाई का, अरे बोलिए तो सर रिजवान भाई सर कैसा लगा बताएं आप इसके बारे में। बहुत सी अवाम है खाना वगैरह खा रही है छा रही है अपने घर माशाल्लाह, मुझे क्या बहुत वैसे निज़ाम बनाया हुआ है इन नेताओं का, बहुत सी हैं लोगों को आसानी से खाना मिल जाए। अभी आप बताएं आपने कैसे सर? माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम 14 साल से आते रहे हैं तो आज क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं इस्लामाबाद से फिर पता नहीं ड्यूटी का मसला हो गया था, बट ये है कि अभी हमने भी ड्यूटी दी है, ये खाना भी खा चुकी है, जैसे कि आपने भी खा ली है, जैसे आ रहे हैं आपके मशवर दूर होटल से, तो ये है कि रास्ते का खुलने का वेट करें क्योंकि रास्ता चेक करें जी, रास्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, वहाँ से थोड़ा सा ईजी हुआ है तो निकलते हैं जी। तो और सुनाएं आप क्या हाल चल रहे हैं जैसे? ठीक है ये है जी, ये आवाम जो भी आ रही है देखिए कैसे मरंद कैसे, और हम खड़े हैं साथ में हमारे
अपने शाहजहा भाई जी और हसन भाई। शाहजहा भाई कैसी रही आपकी ड्यूटी? बहुत टफ है। यहाँ पे बुजुर्ग बच्चे आते हैं, उनको यहाँ से हदायत भी होती है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन ऐसा निज़ाम जो है कि वो मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं संगी बिल्कुल सही सलामत से हमसे जा रहे हैं, ये वापस भी आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वापस वापसी का ये रास्ता है और जाने का ये रास्ता है। बस अभी आप लोग ड्यूटी दें ऐसे भाई, जजाकअल्लाह मैं चल रहा हूँ, जल्दी है तो मिलते हैं इंशाअल्लाह। और सर है वापस अपने ऑफिस, सामने है जुनैद भाई और हैं जी ये शहर भाई, इनको तो आप जानते होंगे अगर जो हमारे पुराने कटर देखने वाले हैं वो तो जानते हैं इनके साथ, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमारी वीडियो थी वो इनके साथ थी, उस वक्त हमें कोई नहीं जानता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई नहीं जानता हमें। तो सुनैद शहर भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसा आपने उसको एक्सपीरियंस कैसा रही बताएं? थोड़ा लेट पहुंचा जो धक्के खाए ना मैंने, कम से कम हमने 10 से 12 बंदूकों निकाला है वहां से, राश में से। अच्छा अच्छा, बेहोश हो गए थे वहां पे। ओबवियसली जंगल का फील है, बहुत ज्यादा क्राउड है यार, बहुत क्राउड है। ये एक निस्बत है माशाल्लाह हजरत की, लोगों का प्यार है जो इतना आते हैं, क्या है कुछ मिलता है इस दर से शाहान से तो कोई आता है, ऐसे तो नहीं कोई आता। बिल्कुल ऐसी बात है। जो भी आप बताएं माशाल्लाह ब्रो, आज तो मजा आ गया यार, बड़ी दिली सुकून मिला है। लंगर खत्म हो गए, दोबारा देखे चढ़ रही है और तकरीबन उन्होंने बोला 2-3 घंटे का ना ब्रेक होगा। माशाल्लाह। ओके जुनैद भाई, जो आप एडिट कर रहे हैं वीडियो, तो अपना ये सीन है कि अभी गपशप करते हैं दोस्तों के साथ और फिर उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या सीन है हमारा। जी तो ख़वातीन हज़रात, गपशप करते हुए शहर भाई काफ़ी टाइम के बाद मिले, तो उनसे काफ़ी गपशप करते हुए टाइम का पता नहीं चला और अभी वीडियो एडिट करने बैठे, तो ये मैं देखा जी कि वीडियो को हमने एंड नहीं किया, तो जुनैद भाई भी अपना काम शुरू कर रहे थे, तो ये है कि यहीं करते हैं वीडियो को एंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मोहम्मद सदाकत को दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अदा हाफ़िज़।